हेलो एंड वेलकम टू ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम देखेंगे एक बहुत अच्छा टेस्ट, उससे हमें पता चलेगा कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे आज हम? डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3, कि क्या कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं। देखो अगर मैं आपसे पूछती हूँ 3, क्या 3 3 की टेबल में आता है ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर मैं 3 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास रिजल्ट 0 आता है। ठीक, वही है, बताओ 6 आता है 3 की टेबल में? आता है। ठीक है, क्या 10 आता है 3 की टेबल में? तो आप लोग झट से बोलोगे कि नहीं मैम, 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। कैसे? 3 3 9, बचा 1, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगी? तो भाई आप लोग बहुत स्मार्ट हो, फौरन से बता रहे हो। लेकिन ये बताओ, क्या अगर मैं आपसे बोलती हूँ 3 4 7 3 4, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो अब आप लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है कि नहीं, कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये नंबर 3 की टेबल में नहीं आएगा। देखो मैंने कैसे बताया एकदम से, तो मैं कोई जादूगर मैजिशियन नहीं हूं। थोड़ा सा मैथ्स तुम लोग भी पढ़ लो, तुम लोग भी बता दोगे। कैसे करा हमने? हमने इन नंबर्स को सबको ऐड करा। ठीक है, देखो 10 7 प्लस 3 10 10 प्लस 14, क्या हुआ 14। क्या 14 की 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो समझ में आ गया डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या करना है हमको। वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। क्या है? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, then the number is also divisible by 3. ठीक है, then the number is also divisible by 3. मतलब क्या है कि अगर उसके सम करो सारे डिजिट्स का, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखो हम एक ट्राई करके देखते हैं, 7 3 3। ठीक है, तो देखो 7 में 3 ऐड करो प्लस 3, कितना हुआ 10 प्लस 3 13। क्या 13 3 की टेबल में आता है? तो नहीं आता। 3 4 12, अगर ये भी नहीं आता तो फिर से इन दोनों को ऐड करो, ये कितना हुआ 4, तो 4 तो डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब नो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये नंबर 3 की टेबल से नहीं डिवाइड होता है 3 से। ठीक है, थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, इनको चेक करो, ये कितना हो जाएगा आपका 11 प्लस 1 12। क्या 12 3 की टेबल में आता है? 3 4 12, यस, है ना। इसका मतलब yes, this number is completely divisible by 3. ये पूरा number 3 से divisible है। देखो कितनी अच्छी interesting ये divisibility test है ना। अब हम देखते हैं 3 7 0 2 0 7 0 1, इन सबको add करो 9 1 10। क्या 10 3 की table में आता है? नहीं आता। इसका मतलब ये number 3 से divisible नहीं है। 5 2 4 7 8 1, देखो कैसे, ये और ये 10 हो गया। ठीक है, ये 15 हो गया, 19 हो गया, 27 हो गया। क्या 27 3 की टेबल में आता है? आता है, है ना। इसका मतलब 3 9 27, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ठीक, चलो देखते हैं एक और एग्जांपल। ये 10 और ये 19, है ना, 9 और 10 19 19 प्लस 4 इज 23। क्या 23 3 की टेबल में आता है? नहीं आता। 3 8 24 होता है एक नंबर आगे। इसका मतलब कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है? कितनी अच्छी, कितनी इंटरेस्टिंग ये हमारा टेस्ट था। ठीक है,